हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि आप लोग किस प्रकार से ये पता कर सकते हैं कि आप लोगों के आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर अपने आधार कार्ड को किसी भी जनसेवा केंद्र से या फिर साइबर कैफे से निकलवाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जब हम लोग जाते हैं तो वो लोग सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। बट दोस्तों, ऐसे में हम लोगों को ये पता नहीं होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोग किस प्रकार से घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत ही आसान तरीके से ये पता कर सकते हैं कि आप लोगों के आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या फिर आप लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें, और साथ ही अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। देन ओपन करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर टाइप करना है uidai.gov.in। इतना टाइप करने के बाद आप लोगों को सर्च कर देना है। जैसे ही आप लोग यहां पर सर्च करेंगे तो आप लोग गवर्नमेंट की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाएंगे, यानी कि ये वेबसाइट आधार कार्ड से ही रिलेटेड है। इस वेबसाइट के जरिए आप लोग अपने आधार कार्ड को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जन्मतिथि चेंज कर सकते हैं और काफ़ी सारे आधार से रिलेटेड काम कर सकते हैं। चलिए, उसके बाद दोस्तों, अब हमें यहाँ पर ये चेक करना है कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। इसके लिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कुछ नीचे आएंगे। यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन दिखाई देगा, आधार सर्विस, और दोस्तों इसी वाले ऑप्शन पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने यहां पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। इनमें से दोस्तों, आप लोगों को यहां पर एक सबसे ऊपर ही ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वेरीफाई आधार। इसी वाले ऑप्शन पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आप लोगों का जो भी आधार कार्ड है, आप लोगों को अपने आधार कार्ड के यहां पर जितने भी अंक हैं उसमें सभी अंक यहां पर टाइप कर देने हैं, यानी कि आप लोगों को अपना आधार कार्ड नंबर टाइप कर देना है। आधार नंबर टाइप करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है। आप लोगों को इस कैप्चा को इस वाले बॉक्स में सेम टू सेम फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आप लोगों को प्रोसीड टू वेरीफाई वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। देन जैसे ही आप लोग यहां पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप लोग यहां पर देख सकते हैं आधार वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, और आप लोगों का आधार नंबर यहां पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोग यहां पर अपनी एज देख सकते हैं, जेंडर देख सकते हैं, स्टेट देख सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोबाइल नंबर का। अगर दोस्तों आप लोगों के आधार कार्ड में आप लोगों का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो आप लोगों के मोबाइल नंबर के आखिर के आप लोगों को तीन अक्षर यहां पर देखने को मिल जाएंगे। और अगर दोस्तों आप लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप लोगों को मोबाइल नंबर के सामने कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप लोग पता लगा सकते हैं कि आप लोगों के आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर आप लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है।